हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फ्लेवर्ड दही जो आप हमेशा खरीद कर खाते हैं, लेकिन आज बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो फ्लेवर्ड दही। तो चलिए देख लेते हैं झटपट इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया है काऊ मिल्क और यहाँ हमें 1 लीटर मिल्क चाहिए, क्योंकि गाय का दूध काफ़ी पतला होता है। इसे हमें अच्छे से थोड़ा पका लेना है ताकि ये थोड़ा इसमें गाढ़ापन आ जाए। और इसे हमें गरम करने के लिए छोड़ देती हूँ जब तक इसमें उबाल आता है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का अल्फांसो मैंगो लिया है। मैंगो के अच्छे से इसका छिलका उतार लेंगे। उतारने के बाद में इसका जो साइड्स है, इसे पल्प अलग करने के लिए मैं इसके टुकड़े काट लूँगी और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी में मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर 1 किलो दूध में हमें 1 आम ही काफ़ी है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो एक इसी साइज़ का एक दूसरा आम भी ले सकते हैं। अब इसे हम एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट बनाने से पहले इसमें हमें ऐड करना है चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध के हिसाब से यहाँ पर मैंने 50 ग्राम लगभग 6 से 7 टेबल स्पून शुगर लिया है और शुगर के साथ में ही इसे अच्छे से पीस लेना है। दूध में अच्छे से खौल आ गई है और वो थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है। अब इसी दूध में से मैं कम से कम 1 कप से थोड़ा कम दूध निकाल कर अलग हटा कर रख लूँगी। अब जो हमने मैंगो का पल्प निकाल के रखा है, इसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई रेशा या ऐसे कोई फाइबर्स उसमें ना रहे। इससे दही अच्छी बनती है। तो देखिए कितना गाढ़ा पल्प निकल कर आ गया है। इसे हम अच्छे से छान कर अलग रख लेंगे। इसे हल्के हाथों से ज़रा मिक्स मिला देंगे और देखिए हमें इतना ही गाढ़ा पल्प चाहिए। और इसे यूज़ करने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें आम का जो पल्प निकाला है इसे थोड़ा सा आग में पका लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे बॉयल नहीं करना है, बिल्कुल जस्ट जैसे ही एक खौल आती है तुरंत गैस बंद कर देना है। ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। यहाँ पर मैंने जो अलग से दूध निकाल के रखा था उसी में हम मिलाएंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हम घोल कर एक लिक्विड बना लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहे। एक बार हम दूध को चेक कर लेते हैं तो देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब बारी आती है दही की। तो दही जमाने के लिए हमें दही की ही ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही को एक पतले कॉटन के कपड़े में बांध कर लटका दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और ये हंग कर्ड हो चुका है। अब इसका 3 टेबल स्पून मैं दही जमाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसे हम मैंगो पल्प में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाज़ार का खरीदा हुआ अमूल दही जो आता है ना, ऐसे गाढ़ा वाला, वो दही कभी भी दही जमाने के लिए यूज़ ना करें। इस तरीके का दही जमाने के लिए आपको नॉर्मल दही को ही कपड़े में टांग कर पूरा पानी निकाल कर उसे इस तरह थक्का बना लेना होगा। और अब इसे हम मैंगो पल्प में खूब अच्छे से इसे मिला देंगे, फेंट लेंगे ताकि दही का कोई भी चंक्स इसमें बाकी ना रहे। तो देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब जो हमने दूध को रखा था गैस पर गाढ़ा होने के लिए, उसमें जो हमने सॉल्यूशन बनाया था दूध पाउडर का, वो हम मिक्स कर देंगे और इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए खोलने के लिए छोड़ देंगे ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर मैंने खोला लिया है और इस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है मिल्क, आप देख सकते हैं। अब इसे ठंडा करने के लिए गैस के नीचे उतार कर मैंने रख दिया है। इसे ज़रा हिलाकर और भी ठंडा कर लेती हूँ दही जमाने लायक टेम्परेचर मिल्क का आने तक। अब गैस में दही को हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए जैसे हम ढोकला स्टीम करते हैं ठीक उसी तरह एक बड़ी कढ़ाई लिया है, उसमें पानी डाल दिया है 1 ग्लास और एक स्टैंड रख के उसे स्टीम से भर जाने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूध का टेम्परेचर चेक कर लिया है, बिल्कुल दही जमाने के लिए परफेक्ट है। अब इसमें मैंगो का पल्प जो हमने बनाकर रखा था ये हम इसमें मिला देंगे। दूध में अच्छे से इसे फेंटते हुए मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा ना फेंटे। मैंने यहाँ पर 3 मिट्टी के
पूरे लिए हैं और एक कांच का। ये जो मैंने मिल्क मैंगो के साथ में मिला के रखा था, अब इसे हम धीरे धीरे करके सारे जो सांचे हैं उसमें डाल देंगे। पहले मैंने तीनों मिट्टी के पूर को भर लिया है और बाकी का जो मैंगो शेक कह लीजिए, ये सारा हम डाल देंगे कांच की कटोरी में। अब ये तैयार है बिल्कुल स्टीम करने के लिए। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता लंबे टुकड़ों में कटे हुए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसे रैप करना, यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल के साथ इसे बहुत अच्छे से पूरा पैक कर दीजिए, ताकि जब हम इसे स्टीम करें तो ढक्कन से जो पानी है वो दही में बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। इस तरह अब हम स्टीम चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी सारा स्टीम इस कढ़ाई में तैयार है बनके। इसी स्टेज में हमें सारे जो हमारे ये हैं दही के पूरे, उसे हमें अंदर रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से सेट हो जाएगा लग रहा है। ये ढक्कन से स्टीम ना लीक हो, पर मुझे लग रहा है यहाँ ढक्कन से स्टीम लीक हो रहा है, इसलिए मैं वापस इसे एक बार उठाकर सेट कर देती हूँ। क्योंकि स्टीम निकल जाने से ये कुक होने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब ये सेट हो चुका है, इसे हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देखते ही देखते 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए काफ़ी हो चुका है, ये हो चुका है, क्योंकि ये ऊपर से हाथ में लग नहीं रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसे धीरे से निकाल लेंगे, लेकिन ये जो कांच का वाला बर्तन है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए इसे 5 मिनट के लिए मैं वापस स्टीम करने के लिए रख रही हूँ सेम प्रोसेस में, और ऊपर से मैंने इसे थोड़ा दबाने के लिए कांच का लीड रख दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए काफ़ी ऐसा दही जैसा ही है। अब इसे हम कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। इसे नॉर्मल फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में बिल्कुल नहीं। तो 1 घंटे बाद मैंने इसे जब निकाला तो इसकी जो टेक्सचर कुछ इस तरह का से था, और ये काफ़ी अच्छा जम के तैयार है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी थिकनेस है इसमें, ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है, काफ़ी सॉलिड हो चुका है। और ये वाला कटोरी देखिए, ये पूरा बिल्कुल दही की तरह जमा है, हल्का सा पानी भी ऊपर छूटा है। इसे अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, देखिए कितना गाढ़ी दही जमी है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसी तरह ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। अगर आप चाहें तो इसमें दूसरा फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, चीकू, कोई भी मनपसंद फ्रूट्स डालकर आप इस दही को बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये रेसिपी और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी मज़ेदार रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।